तो आज का वीडियो होने वाला है खास गुलाबों के ऊपर। जो आपने मेरे सामने देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी। इंग्लिश चाहिए, देसी चाहिए, और जो गुलाब की जो प्राइसिंग है वो मात्र 60 रुपये से स्टार्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाने वाला हूँ, रेड, येलो, ग्रीन, सब सारे सारे कलर्स दिखाऊंगा, जिसे देख के आपने बोला होगा कि ये तो हमने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपके मुंह से ज़रूर निकलेगा। अगर आपको बाय करना है तो आप विजिट कर सकते हैं सैनी प्लांट होम, और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर और गूगल मैप लोकेशन, आप इजीली यहां तक विजिट कर सकते हैं और विजिट करके इन गुलाबों का आप बाय कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं सालों साल तक। तो चलिए दिखाता हूं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, और जितने भी वैरायटी दिखाऊंगा शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो रोज़ों की बहुत सारी वैरायटी आपको यहां मिल जाएगी, और जो फर्स्ट वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूं रोज़ की, वो है क्रीपर रोज़, और ये मेरा फेवरेट भी है, और इसलिए मैं इसे सबसे पहले नंबर पर रख रहा हूं। और रीज़न क्या है कि एक बार में जब आपके पूरा गमला आ जाए, आपके गुलाब के फूलों से भर जाए ना, उससे बेहतरीन क्या हो सकता है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए एक पॉट है, और एक पॉट के अंदर अभी मेरे को सिर्फ मात्र 10 से 12 फूल दिख रहे हैं। इसी तरह अगर देखेंगे, ध्यान देंगे, तो छोटे छोटे बर्ड्स भी इस पर आए हुए हैं। तो ये जब पूरे खिल जाएंगे तो लगभग 20 से 25 फ्लावर्स आपके एक पॉट के अंदर इस तरह से खिलते हैं। अभी जो प्लांट का साइज़ है वो छोटा है, तब इतने फूल आ रहे हैं। अगर ये बड़े साइज़ में हो जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। इसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो अलग अलग कलर्स वगैरह भी आते हैं जो कि अच्छे लगते हैं, और ये फूल जो खिलते हैं ना वो गुच्छों में खिलते हैं। आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए बर्ड्स दिख रहे हैं, वो एक ही जगह पर कितने सारे हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, आपको इस तरह के रेड मिल जाएंगे, इस तरह के पर्पल मिल जाएगा, आपको वाइट मिल जाएगा, डीप रेड में चाहिए आपको इस तरह के तो वो भी मिल जाएंगे। तो ये जो क्रीपर्स वैरायटी है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और पूरे सीजन ऑलमोस्ट आपको फ्लावरिंग देते ही देते हैं। थोड़े बहुत केयर की ज़रूरत है, कोने में लगा दीजिए, आराम से बेल की तरह बढ़ता रहता है, और फ्लावरिंग तो बेहतर मिलती रहती है आपको। तो ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये रोज़ेस का ही सेक्शन है, और जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हर एक वैरायटी, जो कि इंग्लिश वैरायटी जिसे बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। एक मेरी मतलब सबसे फेवरेट जो गुलाबों में से काउंट होता है वो स्ट्रेट कट होता है। अगर गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए आप किसी को देते हैं तो स्ट्रेट कट के गुलाबी होते हैं, लगभग 20 रुपये से ले कर सिंगल रोज़ उसका प्राइसिंग होती है, लगभग 50 रुपये तक जाता है, अकॉर्डिंग टू सीज़न के हिसाब से इसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। तो ये देखिए एक सिंगल शूट निकल रहा है और इस तरह की फ्लावरिंग हो रही है। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को ना इसमें मल्टीपल शूट्स निकले और बहुत सारे फ्लावर्स इसके अंदर आए, वो भी स्ट्रेट कट में आए, तो आपको इसको पिंचिंग करना पड़ेगा। तो पिंचिंग टेक्निक से इसमें लगातार कई सारे फ्लावर्स आ जाते हैं। तो ये देख एक, एक आपको दिखाया है मैंने कि देखिए एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, ऐसे ही यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए तीन गुलाबी एक बार में, ये सारे के सारे स्ट्रेट कट में ही हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो एक गुलाब ना दे के आप इस तरह का प्लांट आप दे सकते हैं, जो कि लगभग 100 से 150 रुपये में आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। और अगर आपको थोड़ा थोड़े से पिंचिंग करेंगे ना, तो आपको अच्छे फ्लावर्स इस तरह के देखने मिलेगा, एक बार में कई सारे। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 रोजेस एक ही शूट में निकल रहे हैं। इसी तरह ढेरों कलर्स हैं इसके अंदर, वाइट भी मिल जाएगा आपको, पिंक भी मिल जाएगा आपको, डीप रेड में चाहिए जो कि लोगों का फेवरेट होता है वो भी मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा। एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इंग्लिश रोज़ में ही इसकी एक और वैरायटी है। देखिए ये जो अगर आप ध्यान देंगे तो ये फ्लावर का जो साइज़ है वो अच्छा खासा बड़ा है। तो ये देखिए अगर आप मेरे पाम साइज़ से जज करना चाहेंगे तो जज कर सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये फटा नहीं है अभी तक। जनरली क्या होता है कि अगर आप गुलाब थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो इसके लीफ वगैरह नीचे साइड से बिखरने लग जाते हैं और बिल्कुल फट जाता है, और बिल्कुल ये अच्छा नहीं दिखता। तो इस तरह का देखिए साइज़, ये अभी अपने फुल फ्लेज पर है और साइज़ अच्छा खासा बड़ा ले चुका है, लेकिन अभी भी इसने अपना जो शेप है ना उसने खोया नहीं है। एक ये दिखाता हूँ, एक ये ध्यान दीजिएगा, ये अपना साइज़ खो दिया है, और थोड़े भी बड़े होते ही इसने अपना साइज़ खो दिया। तो ये अलग वेराइटी है, और बट अगर आप ध्यान देंगे तो ये अपना साइज़ अभी तक नहीं खोया। इसी तरह इसके अंदर भी कई सारे कलर्स मिल जाते हैं आपको, येलो मिल जाएगा, ये देखिए काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, येलो मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, और भी बहुत सारी वैरायटी मतलब यहाँ पर आपको सनी प्लांट होम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो सारे आप बाय कर सकते हैं। देखिए प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीज़नेबल है। जनरली जो रोज़ की जो प्राइसिंग होती है वो 100 रुपये से लेके 150-200 रुपये के बीच में वैरी करती है, डिपेंड ऑन वैरायटी, साइज़,
क्वालिटी। ठीक है, अगर आप पॉट्स में लेंगे तो थोड़े से महंगे होते हैं, और अगर आप पॉलीबाग्स वगैरह में लेंगे तो आपको 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के बीच में भी आपको मिल जाते हैं। वाइट, रेड, पिंक, इस तरह के जो कॉमन कलर्स होते हैं ये तो आपने बहुत देखे होंगे, मतलब बेइंतहा देखे होंगे कि भाई गुलाब तो इसी कलर से जाना जाता है। आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल ग्रीन कलर के गुलाब दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल खिल रहे हैं। आपको अगर लग रहा हो कि नहीं ये तो लीफ हैं इसके, तो लीफ नहीं है भाई, ये देखिए बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे इसके। तो ये देखिए, ये सारे के सारे गुलाब के ही हैं, बट लेकिन इसमें फ्लावर जो खिल रहे हैं ना वो ग्रीन कलर खिल रहे हैं। ये इसके बर्ड्स हैं, और ये देखिए, ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये प्लांट चला और यहाँ पर इसकी फ्लावरिंग होती है, और ये बिल्कुल ही ग्रीन कलर में ऐसी होती है कि ये इसके साथ में बिल्कुल मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता है कि फ्लावरिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो ये देख लीजिए, और इसके बर्ड साइज़ आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं होते हैं बट छोटे छोटे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यूनिक अगर आप कुछ आपको चाहिए ना तो आप ग्रीन कलर का गुलाब आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा बंदा कि भाई ग्रीन कलर के भी गुलाब मिल रहे हैं मार्केट में और उनको पता भी नहीं है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको यूनिक वैरायटी दिखा रहा हूँ। आपको रेड मिल जाता है, आपको वाइट तो मिल ही जाएगा, आपको ग्रीन तो मैंने आपको दिखाया अभी, और एक और जो दिखाऊंगा जो कि ड्यूअल कलर में मिलता है, जिसे हम आबरा का डाबरा भी बोलते हैं, टाइगर रोज़ के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो फ्लावर्स होती है वो बिल्कुल रेड पर येलो का स्पॉट होता है। इसी में आपको रेड का वाइट भी स्पॉट मिल जाएगा। तो अलग अलग वैरायटी आती है, ये आबरा का डाबरा या फिर आप इसे टाइगर रोज़ ये किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, कि ड्यूअल कलर के नाम से भी आप बोल सकते हैं। बड़े बड़ी अच्छे फ्लावरिंग होती है, देखिए आप अगर आप ध्यान देंगे रहे होंगे तो, ये गुलाब के ही हैं बट, और अगर मैं ध्यान दिलाऊँ देखिए इन पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, और इस तरह के बर्ड्स होते हैं और आप बोलते तो बेहतरीन फ्लावरिंग होती है इसमें। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी आपके दो फ्लोर डाउन होंगे तो दो नए आ जाएंगे, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन लगातार चलता रहता है। तो ये भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो जैसा मैं आपको गुलाबों की इतनी सारी वैरायटी दिखा रहा हूँ, और देसी गुलाब ना दिखाता थोड़ा सा ना अधूरा सा रह जाता कि भाई आपने देसी गुलाब नहीं दिखाया, तो भाई देसी गुलाब भी दिखाऊंगा तो लेकिन बेहतरीन वाला दिखाऊंगा आपको। ये गंगानगर का स्पेशल रोज़ेज़ है, जिसमें कि बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है। मैं बिल्कुल यहाँ पर गुलाबों के बीच में खड़ा हूँ और फ्रेगनेंस बहुत बेहतरीन आ रही है। अगर आप पूजा वगैरह के लिए भी अगर फूल जो इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह के देसी गुलाब ही होते हैं, और इसी की पेटल्स जो होते हैं ना वो चढ़ाए जाते हैं। एक बार में मान के चलिए कि आराम से 20 से 25 फूल खिलते हैं, और जो सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी ना कि इसकी प्राइसिंग इंग्लिश गुलाब से बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। ये मात्र आपको 60 रुपये में आपको मिल जाते हैं पॉट्स में लगे लगाए। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ले के जाना है और बस आपको पानी देते रहिए, और इसमें अच्छी फ्लावरिंग आपको सालों साल तक चलता रहता है। देसी वैरायटी की जो सबसे अच्छी बात होती है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये ग्रीन गुलाब जो था ना ये मेरा फेवरेट था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको बाय करना है तो आप सनी प्लांट होम विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ पर आने में कोई दिक्कत हो तो इन्हें आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।